जो लोग पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे अब बाइक पे आना शुरू हो गए, कहते हैं कि अफोर्डेबल नहीं है, जो बाइक वाले हैं वो साइकिल पे आ गए। मुझे देख लेना कि मैं तो डायरेक्ट गाड़ी से साइकिल पे आया हूँ कि मैं अभी अभी मैंने अपनी गाड़ी को साइकिल को बेहतर कंडीशन में करवाया। दिस इज वेरी सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। एग्जांपल, एक आदमी की दिहाड़ी 500 रुपए है, ठीक है, वो 250 रुपए पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों को खिलाएगा, वो क्या करेगा, पैदल घूमेगा, इतनी गर्मी में पैदल निकला ही जाता बाहर। 2347 रुपए बिल आया उसको 88 यूनिट का। उसने कहा जनाब मेरे घर में तो एयर कूलर भी नहीं है, एक पंखा है, पूरी फैमिली उसके नीचे सोते हैं, तो अब मैं बिल ये कहां से दूंगा। सर जिस शख्स ने 15,000 जिसकी तनख्वाह है 20,000 भी लगा लिया, उसमें से 3,000 या 2300 रुपया उसने बिजली के बिल में दे दिया, बाकी 2,000 रुपया दीगर बिलों में दे दिया, तो क्या खाएगा वो। तो रिकॉर्ड तोड़ तरीके से जो है गधा गाड़ियां बिक रही हैं। अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी, आप सबने सुनी होगी, कि पाकिस्तान के अंदर गधों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत ज़्यादा दिमाग लगा, क्योंकि दिमागी कौम है ही है, इसने दिमाग लगा डाला कि इसकी गधा गाड़ी बना दो। और उसके साथ साथ में जितने भी ऑटो चालक हैं या बैटरी रिक्शा चालक हैं, इन्होंने अपने ऑटो सब किनारे लगा लगा के, बैटरी रिक्शा किनारे लगा लगा के धकाधक गधा गाड़ियां खरीदना चालू कर दी हैं। और आप देख लो, ये पाकिस्तानी मीडिया जो दिन रात हिंदुस्तान को बुरा बोलता रहता था, इनके एंकर आज यही जो हैं साइकिल पर आ गए हैं। उससे भी बुरी बल्कि स्थिति इनकी होती चली जा रही। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम जनाब, और मेरी हालत देख के समझ गए होंगे आप, ये मैं शौक से नहीं चला रहा, ना अपनी फिटनेस के लिए चला रहा हूँ, ये मजबूरन चलानी पड़ रही है, क्योंकि अब मौजूदा हुकूमत ने इसके अलावा कोई रास्ता छोड़ा नहीं। लेकिन मौजूदा हुकूमत ने अब इस नहज पर लाके खड़ा कर दिया कि इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, और इसको भी खरीदने के लिए यकीन जानिए मुझे 2 दिन मेहनत करनी पड़ी, और अभी भी इसका ब्रेक काम नहीं कर रहा है सही से, तो मैं अभी सही कराऊंगा। लेकिन जनाब मेरी तो ये अभी पोजीशन हो चुकी है, कल तक गाड़ी में आ रहे थे, आज साइकिल पर आ गए, अब दुआ करें ये बरकरार रहे, ऐसा ना हो कि कल मुझे पैदल आना पड़ जाए। अगर डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन इसके ऊपर गौर नहीं करते हैं तो मैं गधा गाड़ी पे एयरपोर्ट पे जाऊंगा, और मैंने इसके लिए जो है गधा गाड़ी खरीदने के लिए मैंने वर्किंग शुरू कर दी है, कि मुझे ये अगर लेना पड़ी और मैं वहाँ पे उसको खड़ा करूँगा, और ये एक मिसाल बनेगी। नॉर्मली एक घर का जो बिल, बिजली का बिल आ रहा है वो आप देखें तो 10 से 15,000 रुपये नॉर्मल बिल आ रहा है। लोग इस हद तक नाउमीद हो चुके हैं कि उन्हें ये लगता है कि अगर सड़कों पर भी आएंगे तो कोई सुनवाई ना हो सकेगी। घरों की दीवारों को सारा दिन कोसते रहते हैं, घरों की दीवारों को देखते हुए मुस्तकबिल में सुहाने ख्वाब जो पहले वो कभी देखा करते थे अब वो भी आना बंद हो चुके हैं। अवाम इस हद तक अजियत में मुबतला है कि वो अगर हलकूम से आवाज़ भी निकालना चाहते हैं तो कोई सुनने वाला नहीं है। अवाम जाएँ तो किधर जाएँ, सड़कों पर दुहाइयाँ हैं, आंखों में परेशानी है, आंखों में ख्वाब हैं, आंखों में इस वक्त वो सूरत हाल पिन्हा है कि जिसका अंदाजा ये हुक्मरान तो लगा नहीं सकते, उन्हीं जैसा कोई फर्द लगा सकता है। बिलाता या सर, मुझे आज इस पाकिस्तान के अंदर सवाए हुक्मरानों के, सवाए इशराफिया के, कोई एक शख्स ऐसा दिखा दें जो तंग नहीं है, जिसके घर में 3 वक्त की रोटी मिल रही है, जिसके घर में 3 वक्त खाना पक रहा है, कोई एक आदमी मुझे दिखा दें। भाई हालात ये हो चुके हैं कि इस मुल्क के अंदर हालात इतने बुरे हो चुके हैं। हुकूमत आई है, अवाम पे पैदर पे पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं, और कल तो अवाम ने कहा कि बस 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 हमारी हो गई है। अच्छा, बस 250 रुपए के करीब फी लीटर पेट्रोल की कीमत पहुंच गई। जो लोग पहले बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते थे अब बाइक पे आना शुरू हो गए। बाइक पे आने के बाद वो कहते हैं, और अच्छी खासी फैमिली से हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कहते हैं कि अफोर्डेबल नहीं है, जो बाइक वाले हैं वो साइकिल पे आ गए। मुझे देख लेना कि मैं तो डायरेक्ट गाड़ी से साइकिल पे आया हूँ, कि मैं अभी अभी मैंने अपनी गाड़ी को साइकिल को बेहतर कंडीशन में करवाया कि आसपास के इलाकों में जाने के लिए मजाक नहीं है भाई। दिस इज वेरी सीरियस, दिस इज वेरी सीरियस। आज सुबह जब मैं आज आ रही थी, ऑफिस भी आ रही थी, हम एक तुम देख रहे हैं कि दिन ब दिन ट्रैफिक में भी हमें कमी दिखाई दे रही है। सुबह सती ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर थी। ठीक है, हम सुबह निकलते लेकिन हम देखते थे ट्रैफिक होती थी, लेकिन ट्रैफिक बिल्कुल ना होने के बराबर। अवाम इतनी मुश्किलात में है कि आज पेट्रोल पंप पे मैं काफ़ी देर से यहाँ मौजूद हूँ, रश बिल्कुल नहीं है, गिनती के 2-3 लोग आते हैं। एग्जाम्पल, एक आदमी की दिहाड़ी 500 रुपये है, ठीक है, वो 250 रुपये पेट्रोल डलवाएगा, बच्चों को खिलाएगा, वो क्या करेगा, पैदल घूमेगा, इतनी गर्मी में पैदल निकला ही जाता बाहर। मैं कहाँ, 5,000 रुपये मेरा हफ्ता है, ठीक है ना, 500,000 का पेट्रोल लग जाता है आने जाने का। अब मैं नून लीग का कट्टर बंदा हूँ, जान लेने देने वाला बंदा हूँ, मगर मेरा हालात इस तरह के हो गया कि इनका खाना ख़राब हो गया। नून लीग से खुश नहीं है? मैं तो बिल्कुल ही खुश नहीं हूँ, बाकी जो होंगे सो होंगे।
इतने हालात खराब कर दिए लोगों ने आगे। हम अपने घर का पूरा कर रहे हैं, पेट का पूरा कर रहे हैं, घर के किराए दें, हम क्या करें। 5,000 रुपये हफ्ता में मिलता है, उसके बाद जना ये बताएं कि जना उसमें घर का पूरा करें, किराए दें, कहाँ पे जाएं, कहाँ मरें। हम सोच रहे थे कि ये हुकूमत आएगी, कुछ अच्छे काम करेगी, मगर इस हुकूमत ने उससे भी बुरे काम किए। पेट्रोल की कास्ट यार 1 से 2 रुपए भी इजाफा होता था ना, तब भी हमें उसके इम्पैक्ट नजर आता था। ये तो 15-15 रुपए, आप यकीन करें कि नो ऑफेंस बट मिफ्ता साहब को देखते हैं टीवी पे डर लगने लग जाता है। 2347 रुपए बिल आया उसको 88 यूनिट का। उसने कहा जनाब मेरे घर में तो एयर कूलर भी नहीं है, मैं तो कपड़े भी बहुत जरूरी हो तो इस्त्री करता हूँ, नहीं तो बच्चों को और स्कूल भी भेजता था तो कपड़े इस्त्री किए बगैर भेजता था कि इस्त्री खींचती है। मेरे घर में फ्रिज नहीं है, मैंने एनर्जी सेवर लगवाया हुआ है, एक पंखा है, पूरी फैमिली उसके नीचे सोते हैं, तो अब मैं बिल ये कहाँ से दूंगा। ये जनाब वज़ीर आज़म साहब, जनाब वज़ीर साहब, वज़ीर तवानाई साहब, आप कहते थे गरीब के लिए कोई टैक्स नहीं है, ये देख लें 88 यूनिट का बिल, ये गरीब एक घर का है। अभी आजकल बिल आएंगे तो लोगों की चीखें निकलेंगी, या सर जिस शख्स ने 15,000 जिसकी तनख्वाह है 20,000 भी लगा लिया, उसमें से 3,000 या 2,300 रुपया उसने बिजली के बिल में दे दिया, बाकी 2,000 रुपया दीगर बिलों में दे दिया, तो क्या खाएगा वो। 80 रुपए वाली डबल रोटी 180 पे चली गई है। आप कोई एक चीज मुझे सस्ती दिखा दें, पता क्या हो रहा है, मदारी बंदर का तमाशा करता है ना अपना पेट पालने के लिए। हमारे हुक्मरानों ने हमें बंदर से भी बुरा समझ लिया है। अशराफिया क्या कर रही है कि हमारा तमाशा लगाकर हमें नचाकर पेट अशराफिया का भर रहा है, पेट हुक्मरानों का भर रहा है, हमें नचाया जा रहा है, साफ महंगाई का हम पे डाला जा रहा है। खुदा की कसम शर्म आती है, शर्म आती है, किस तरह पेट्रोल या क्या करो। उसने कहा हमने हाथ जोड़ के कहा ये जो 15,000 रुपये मिल रहा है एहतजाज करेंगे तो ये भी मिलना बंद हो जाएगा, बसें बंद हो जाएंगी तो हम कहाँ से खाएंगे। उसने कहा हम लोग भूखे रह रहे हैं। उसने रोते हुए ये कहा, उसने कहा मुझे बताएंगे मैं बिल नहीं भरूंगा तो मेरे घर की बिजली कट जाएगी। ये तो एक है ना, हज़ारों होंगे, सैकड़ों होंगे, जो सैकड़ों हज़ारों नहीं बल्कि लाखों होंगे जो ऐसे बेचारे रो रहे होंगे, क्या करें। लेकिन राणा साहब 88 यूनिट का बिल 2300 कुछ लाजा लगाएं उन लोगों की जो फैक्ट्री में मुलाजमत करते हैं, रोजमर्रा की बुनियाद पे दिहाड़ी करते हैं, उनके हाल क्या होंगे। बुरे हाल है। मुझे एक बात अब मैं कह रहा हूँ, रिक्शे वाले से पूछ रहे हैं, वो कहते हैं भाईजान 500 रुपए का 2 लीटर पेट्रोल डलवाते हैं तो 500 रात को इकट्ठा नहीं होता, अगर 500 इकट्ठा हो जाए तो पेट्रोल डलवाएं अगले दिन के लिए या बच्चों के खाने के लिए लेके जाएं। एक तरफ पूरी दुनिया ने जो है वो लाखों डॉलर खर्च कर डाले, फूंक डाले इसमें कि ट्रैफिक सिस्टम को मैनेज कैसे करा जाए। पाकिस्तानियों ने फ्री का आइडिया निकाल लिया, पेट्रोल इतना ज़्यादा महंगा कर दो कि अपने आप ही ट्रैफिक गायब हो जाए। वही आज हो रहा है पाकिस्तान में, कहीं देख लो कराची यही लाहौर यही इस्लामाबाद ये सब में इतना ज़्यादा ट्रैफिक की समस्या हुआ करती थी पहले, अब दिखती ही नहीं है गाड़ियाँ, दिखेंगे कैसे। आदमी की हालत टाइट हो गई है, आदमी गाड़ी चलाए तो चलाए कैसे। ऊपर से आप देखो जिसकी हम लोग लगभग हर वीडियो में पे ही चर्चा कर रहे हैं, 70% आबादी इनकी जो 40,000 से कम कमाती है उसकी इस समय, और ये वही आबादी है जिसके मन में, मतलब सबके लिए तो नहीं कहना चाहिए लेकिन मेजॉरिटी के मन में हिंदुस्तान के प्रति कूट के नफरत भरी है। पब्लिक रिएक्शन कई सारे वीडियोस भी हम लोग डालते रहते, आप लोग देखते ही हो किस तरीके से अभी भी वो चीज़ ख़त्म नहीं, इंटेंट जो है इनका पूरा है, बस कैपेबिलिटी नहीं, कैपेबिलिटी में ये लोग दरअसल मात खा जा रहे हैं। वरना अभी भी इनको कोई मौका मिल जाए, इनके पीछे कोई बैकिंग कर दे तो सबसे पहला इनका ख्वाब कोई होगा वो कश्मीर पे फतेह करना, और दूसरा कोई ख्वाब होगा तो वो दिल्ली में बैठ के बटर चिकन खाना। इसके अलावा कोई बाद की चीज़ तो बहुत की बात सोचेंगे, यही इनका सबसे पहला जो है वो मकसद है। बहरहाल आप देखो ये जो पाकिस्तानी एंकर हैं जिन्होंने इतने सालों साल तक इतने लंबे समय कब से हम लोग देखते चले आ रहे हैं, सिर्फ इनका सुबह शाम क्या काम है, आ जाएंगे बैठ जाएंगे और सिर्फ हिंदुस्तान के बारे में बोला भला बुरा भला यही इनका ड्रामाबाजी चालू रहेगी, कभी इस पर बात नहीं करी देश कैसे सुधारें, उसी का नतीजा आज दिख रहा है।